एक समय की बात है, एक गांव में मोनू नाम का एक लड़का रहता था। मोनू को डोरेमोन शो बहुत पसंद था। वह हमेशा सोचता रहता था, काश मेरे पास भी डोरेमोन होता तो मेरी जिंदगी भी कितनी आसान होती ना। एक दिन की बात है, मोनू के घर में जापान से उसके मामा जी आए। हे मोनू, कैसे हो मेरे बच्चे? ठीक हूँ मामा जी। मोनू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वो डोरेमोन। थैंक यू मामा जी, आप बहुत अच्छे हो। अरे नहीं मोनू, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगले दिन मोनू पार्क में खेलने जा रहा था। मैं पार्क में जाऊंगा, डोरेमोन के साथ खेलूंगा, ये ये ये। फिर अचानक मोनू के स्कूल के बदमाश बच्चे वहां आ जाते हैं। डोरेमोन के साथ खेलेगा? चल्ला, ये मुझे दे, अब मैं खेलूंगा इसके साथ। नहीं, ये मेरा है, तुम बदमाश लड़के हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तू मुझे बदमाश बोला? रुक अभी बताता हूँ। वो बदमाश लड़का मोनू से डोरेमोन खिलौना छीन लेता है और उसे पटक कर तोड़ देता है। ले अब खेलता रहे अपने डोरेमोन के साथ। वो चला जाता है। मोनू बहुत उदास हो जाता है। अरे डोरेमोन, तुमने देखा ना क्या हाल किया उन्होंने तुम्हारा? अगर तुम होते तो हम दोनों मिलकर उसे बहुत अच्छा सबक सिखाते। फिर अचानक खिलौना ठीक होने लगता है। टेंशन मत लो मोनू, अब ऐसा ही होगा। डोरेमोन, तुम सच में? पर कैसे? अरे तुम छोड़ो ना ये सब, अब चलो उस लड़के को सबक सिखाते हैं। ठीक है डोरेमोन, चलो। एनीवेयर डोर। फिर मोनू और डोरेमोन उस एनीवेयर डोर की मदद से उस लड़के के पास चल पड़ते हैं। वे उसके घर पहुंचते हैं। अरे तुम यहाँ कैसे? और ये तुम्हारा खिलौना इतना बड़ा कैसे हो गया? मैंने तो इसे तोड़ दिया था ना। डोरेमोन बताओ इसे। स्मॉल लाइट। डोरेमोन स्मॉल लाइट से उस लड़के को छोटा बना देता है। अरे अरे, मैं इतना छोटा कैसे हो गया? मुझे ठीक करो, ठीक करो मुझे। बोलो, अब से तुम किसी को तंग करोगे, परेशान करोगे? नहीं नहीं डोरेमोन, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, प्लीज मुझे ठीक कर दो, प्लीज। डोरेमोन उस लड़के को ठीक कर देता है और फिर मोनू और डोरेमोन एनीवेयर डोर से वापस मोनू के घर चले जाते हैं। डोरेमोन थैंक यू। मोनू देखता है कि डोरेमोन फिर से खिलौना बन गया है, पर वो उदास नहीं होता है, वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया होता है।